उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काशी पहुंचने पर वहां के लोगों ने जमकर विरोध किया। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा, लोहिया के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति ही असली समाजवादी हो सकता है। काशी में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे युवकों ने स्याही और काले झंडे फेंके। मेरठ के अनूप शहर की नहर में एक हैंड ग्रेनेड मिला है, बम स्क्वाड टीम ने किया डिफ्यूज। नाबालिग बच्चों ने बाइक को बनाया कार, एक बाइक पर सवार 6 नाबालिग बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। गाजियाबाद के वैशाली इलाके स्थित सीपीएस इंटरनेशनल स्कूल में आज ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यहां आयोजित इस ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 7 से ज्यादा स्कूलों और कोचिंग संस्थानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता पहुंचे और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। यहां प्रतियोगिता में जीतने वाले स्कूली बच्चों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा कि ताइक्वांडो जैसा खेल बच्चों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इससे बच्चे अपनी आत्मरक्षा के गुण सीखते हैं। वही स्कूल के प्रधानाचार्य मीनाक्षी पाधी ने बताया कि उनके स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में कई स्कूलों द्वारा हिस्सा लिया गया है। ताइक्वांडो खेल जैसे बच्चों के लिए काफी लाभदायक होते हैं। एक तरफ जहां इससे बच्चों का शारीरिक विकास होता है, वहीं लड़कियों के लिए अपनी आत्मरक्षा का गुण भी उन्हें आ जाता है। आज की जो ये सीपीएस इंटरनेशनल स्कूल की जो सेकंड ताइक्वांडो और योगा चैंपियनशिप है, उसको आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारी प्रिंसिपल मीनाक्षी पाधी जी ने मुझे यहाँ पर आज इनवाइटेड किया था। आज मैंने इनॉग्रेट किया मशाल जलाकर, और बड़ा अच्छा है। करीब 5-6 स्कूल और कुछ ताइक्वांडो और योगा की एसोसिएशन आज के इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, और काफ़ी अच्छा उत्साह का यहाँ पर लोग वातावरण है, और काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर को, स्पेशली प्रिंसिपल मीनाक्षी पांडी जी को बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। यहाँ सागर कुमार डागुर है, वर्ल्ड रैंकिंग है, इंटरनेशनल रेफरी है, इस समय यही मौजूद है। ये भी एक दिन ऐसे इंटरनेशनल छोटे से इंटरनेशनल टूर्नामेंट से सारे, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है, बच्चे के यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होता है। तो डिस्ट्रिक्ट खेलता है, स्टेट खेलता है, नेशनल खेलता है, इंटरनेशनल खेलता है, एशियन खेलता है, ओलंपिक खेलता है, लेकिन बेसिक यहीं से। 6 स्कूल्स आए हैं। स्कूल में हम हमेशा बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन हम साथ साथ योगा एंड ताइक्वांडो को, इसलिए हमारे स्कूल में आपने देखा होगा कि योगा एंड ताइक्वांडो का वेरियस प्रोग्राम्स किया जाता है, बिकॉज बच्चों के मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ की ग्रोथ के लिए बहुत आर इम्पोर्टेंट। सो बाकी खेल तो हम खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सब कुछ, लेकिन ताइक्वांडो एंड योगा के लिए हमारा स्कूल हमेशा आगे करता है बच्चों को। और 6 स्कूल्स, सेंट फ्रांसिस, जेकेज इंटरनेशनल स्कूल, वनस्थली स्कूल, पुलिस मॉडर्न स्कूल, सरस्वती शिक्षा निकेतन, एंड 2-3 कोचिंग एकेडमी भी, ताइक्वांडो कोचिंग एकेडमी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। द प्रोग्राम वाज टू इंश्योर दैट फिजिकल एक्टिविटी हैपेंस इन सीपीएस एंड द लोकल कम्युनिटी। वी हैव इनवाइटेड स्कूल्स फ्रॉम 7 डिफरेंट स्कूल्स एंड एटलीस्ट 6-7 डिफरेंट ताइक्वांडो एकेडमीज। द फोकस इज नॉट जस्ट टू हैव ताइक्वांडो बट ऑल्सो योगा एक्टिविटीज इन द स्कूल। ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसिप्लिन, for mental balance and for overall well-being of a student. उन्नाव में ओवरलोडिंग वाहनों पर लगाम लगा पाने के में परिवहन विभाग नाकाम साबित हो रहा है। जिले की सीमा में ओवरलोड डंपर और ट्रकों की आवाजाही बस सरूती जारी है। आलम यह है कि रात के अंधेरे में सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड वाहन उन्नाव की सीमा में एंट्री करते हैं और सुबह तक मोरंग मंडी के खुलने का इंतजार करते हैं। अवैध मोरंग मंडी में ओवरलोड वाहनों से मोरंग खरीदने का सिलसिला सुबह 7 बजे तक चलता है। ये वाहन रोड किनारे खड़े रहते हैं, जो लगातार हो रहे हादसे का एक अहम कारण भी बन रहे हैं। ओवरलोडिंग होती थी और आज जो है आप देखे होंगे कि बहुत सारे उस पर नियंत्रण हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसके लिए भी हम लोग खनन विभाग, पुलिस विभाग और हमारे परिवहन विभाग, ये तीनों मिलाकर के टास्क फोर्स बना रहे हैं
कि हम लोग जीरो पॉइंट से ही जहाँ से सब ये मैं अपने बालू और गिट्टी लेके आते हैं वहीं पर हम इनको रोक लेंगे और इनको आगे वहाँ से नहीं बढ़ने। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। मेले में सुरक्षा के लिए 350 पुलिसकर्मी और 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, बावजूद इसके मेले के स्टॉल से सामान गायब होने शुरू हो गए। बीते दिन भी एक विदेशी स्टॉल की दुकान से 3 सिल्वर कलर के बॉक्स चोरी हुए थे जिनकी कीमत 7,000 के आसपास बताई जा रही है। कानपुर के पनकी में संकल्प सेवा समिति और मारुति नंदन समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्था के बैनर तले कई लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही। आपको बता दें कि समिति के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 33 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं कैंपस की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह चौहान और उदयभान की देखरेख में हुई। इस दौरान बीजेपी विधायक नीलिमा कटियार द्वारा सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। क्षेत्र में लगातार 93 भंडारे हो चुके हैं। जो भंडारों का आयोजन जो होता है उसमें लंच पैकेट जो वितरण होता है वो आपके कार्डियोलॉजी हो गया, महिला हॉस्पिटल हो गया, जच्चा बच्चा हो गया, यहाँ जाता आता था। विगत 3 वर्षों से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जिससे क्षेत्र के लोगों को अगर कहीं भी ब्लड की जरूरत होती है, किसी अति आवश्यक कार्य के लिए जरूरत पड़ती है तो वो ब्लड उपलब्ध कराया है। इस संस्थान इसके अलावा किन किन बड़े कामों में योगदान दिया है आप लोगों ने? इस संस्था के द्वारा जैसे कि अभी पिछले समय लॉकडाउन लगा तो उस लॉकडाउन में लोग मारुति नंदन सेवा समिति और संकल्प सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है और अभी तक करीब 20 लोग रक्तदान कर चुके हैं और करीब करीब 40 से 50 लोगों का लक्ष्य है। एक महा योगदान दे रहे हैं आप, इसका मुख्य मोटिव क्या रहेगा? मुख्य मोटिव ये कि जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया जाता है हम लोग संस्था के द्वारा और कहीं पर भी किसी को किसी हॉस्पिटल में कानपुर के अंदर ब्लड की जरूरत होती है वो हमारी संस्था से संपर्क करता है। अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र गांव सोफा नहर में एक अज्ञात लाश उतारती मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया, जिसके बाद पुलिस ने शिनाख्त होने तक 72 घंटे के लिए अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने हुए मोर्चरी में रखवा दिया है। अच्छा, किसकी बॉडी है ये? ये जेंस की है। अच्छा, किस जगह पर है ये मिली है? ये सोफा नहर पुल रेसरी मार्ग। अच्छा, तो अब कहाँ पे निकाला गया, कैसे निकाला गया? अब ये पुलिस वालों की मदद से, गांव वालों की मदद से निकाला गया। अच्छा, कहाँ के लिए भिजवाया गया इसे? ये अलीगढ़ साथ पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। अच्छा, लगभग प्रक्रिया कर रहे हैं जो भी करना है इनको। अच्छा, लगभग कितनी पुरानी होगी ये? 1 हफ्ते से ज़्यादा है। और उम्र क्या हो सकती है इसकी लगभग? मेरे अंदाज में 50 साल से। हरदोई के शाहबाद इलाके में अवैध शस्त्रों के साथ युवक के प्रदर्शन करने का फोटो वायरल हुआ है, जहां फोटो को स्टेटस पर लगाकर वीडियो वायरल किया गया है। वायरल फोटो पचदेवरा इलाके के शादाब खान का बताया जा रहा है। फोटो में अवैध शस्त्र लहराने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह युवक पचदेवरा थाना क्षेत्र के आमतारा गाँव का निवासी है। एक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति तमंचा लिए हुए था। जानकारी किया गया तो ये आमतारा एक गांव है जो पचदेवरा में पड़ता है, वहां का है। इसका नाम है शादाब खान, उम्र करीब 22 साल है। इसको गिरफ्तार करके अभियोग पंजीकृत किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में एक सफलता पुलिस के हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने अपहरण कर रंगदारी वसूलने वाले 6 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन, एक लाइसेंसी बंदूक, एक के साथ 33,500 रुपए बरामद किए हैं और सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।
रायबरेली में डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सलीमपुर गांव में कुछ दबंगों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की है और घर में रखे जेवरात को लेकर फरार हो गए। वहीं पर आनंद फानंद में परिचित महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। शाम को हमारे घर में कोई आया और अलमारी में कुछ इधर उधर किया और देखा और हमारी अम्मा को मारा, उनके गटई दबाया और कान के बाला वाला मारा और बाला गिर गया। तो कहाँ पे हैं आज ये अम्मा आपकी? हमारी अम्मा इस समय लखनऊ में है। इसकी सूचना पुलिस को दी है? सर पुलिस को सूचना दी, अभी तक आई नहीं। हरदोई पुलिस की दखल के बाद एक महिला की उसकी प्रेमी के साथ शादी हो पाई। दरअसल पूरा मामला है ये है कि महिला अपने देवर से प्रेम प्रसंग चला रही थी, लेकिन कुछ समय बाद युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। मामले की शिकायत युवती ने पुलिस से की। हरकत में आई पुलिस ने अपनी मौजूदगी में दोनों की शादी मंदिर में करवाई। इस दौरान दोनों पक्षों के परिजन वहां पर मौजूद रहे। फिलहाल ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप किससे शादी कर रही हो? दरोगा जी से। कहाँ की रहने वाली हो? सिमोर के। सावा सिमोर। तो तुमने कोई मुकदमा करा था पहले क्या? ना, करो। तो अब सुलह हो गई तुम्हारी? अभी सुलह नहीं हुई। तो फिर कैसे शादी कर रही हो? सुलह हो गई है तो अपनी रजामंदी शादी कर रही हो? बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के सेठा खेड़ा गांव में दो पक्षों में शादी समारोह के दौरान मामूली बात पर बहस हो गई। इस दौरान वही मौजूद एक युवती चीख पुकार कर सुन बेहोश भी हो गई। आनंद फानम ने युवती के परिजन उसे अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन युवती ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो क्या हुआ, मैं तो उधर से लेकर आया, मेरी बहन पहुंची तो उन्होंने इसे पता नहीं क्या किया उसके साथ में। मैं तो बाद में पहुंचा तो उधर ही पड़ी थी। फिर तो मैं उसे उठा के लेकर आया, जब मैंने घर दिया लेकर गया उसे तो देखा देर तो ये साथ चलती रही उसमें। तो बाद में मैंने सर को फोन किया था उन्हें, तो फिर कह रहे मैं अभी भेज रहा हूँ ये तुम्हारे नंबर को, तो वहाँ से भी कॉल आई थी। तो भाई बाद में पहुँच गए। फिर तो ये मारपीट है तो घर है, खबर पड़ी ना सबको, तो इसी बाड़ा को फाड़ा के साथ भागे लड़ाई में। फिर तो लड़ाई में जाकर चोट लगी है इनके इनके लाठी मारी थी। लाठी मारी क्या है? इनके क्या मारा? ये ना मालूम उन्होंने क्या मारा, इसके चोट नहीं छोड़ी है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।